मुख्तलिफ जोनों में कुरान अंदाजी के बाद महफूज जुमरों का ऐलान किया गया। जोन नंबर एक तरोड़ा खुर्द में एक SC, एक OBC खातून और एक खातून जुमरा और एक आम जुमरा तश्किल दिया गया है। जोन नंबर दो तरोड़ा बुजुर्ग में एक SC, एक OBC खातून, एक खातून जुमरा और एक आम जुमरा तश्किल दिया गया है। जोन नंबर तीन सांगवी में एक SC, एक OBC खातून, खातून जुमरा और एक आम जुमरा तश्किल दिया गया है। जोन नंबर चार हनुमानगढ़ में एक SC, एक ST, एक OBC और एक खातून जुमरा तश्किल दिया गया है। जोन नंबर पाँच भाग्यनगर में एक SC, एक OBC खातून, एक खातून जुमरा और एक आम जुमरे के तहत रिजर्वेशन किया गया है। जोन नंबर छः गणेश नगर में मौजूदा कारपोरेटरों ने महफूज जुमरा और वार्ड तश्किल को शफाफ और अच्छी करार दिया है। इस जोन में ए वार्ड में SC खातून को महफूज किया गया है, जबकि बी में OBC, सी में खातून जुमरा दिया गया है, जबकि डी में आम जुमरा रखा गया है। इस वार्ड से कांग्रेस के मौजूदा कॉरपोरेटर किशोर भोरे अब SC खातून के जुमरे में अपनी अहलिया शीला किशोर भोरे के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं। आज प्रशासनाच्या वतीने जे आरक्षण सोडत झाली त्याच्यामध्ये आमच्या प्रभागामध्ये एक SC महिला सोडण्यात आलेले, एक OBC पुरुष, एक ओपन महिला आणि ओपन पुरुष सोडण्यात आलेले आहे। याच्याबद्दल मी प्रशासनाचं एक अभिनंदन करतो की त्यांनी एक योग्य मार्गाने ही सोडत केली आणि आरक्षण केलं आणि आम्हाला आमचा जो पक्ष आदेश देईल त्याचा आम्ही प्रचार करू आणि त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्नसुद्धा करू। जोन नंबर सात श्रावस्ती नगर में SC खातून, OBC खातून और दो आम जुमरे के तहत रिजर्वेशन किया गया है। जोन नंबर आठ शिवाजी नगर में SC, OBC खातून और खातून जुमरा और एक आम जुमरा तश्किल दिया गया है। जोन नंबर नौ नए मोंढे में एक SC खातून, एक OBC, एक खातून जुमरा और एक आम जुमरे के तहत महफूज किया गया है। जोन नंबर दस दस्त नगर को SC, OBC खातून, एक खातून जुमरा और एक आम जुमरे के तहत तश्किल दिया गया है। जोन नंबर ग्यारह हैदराबाद में एक OBC, एक OBC खातून, एक खातून जुमरा और एक आम जुमरा रखा गया है। जोन नंबर 12 उमर कॉलोनी में दो खवातीन, एक OBC, एक आम जुमरा जारी किया गया है। इस जोन में साबिक कारपोरेटर अब्दुल रशीद OBC जुमरे के तहत ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए वार्ड तश्किल को शफाफ करार दिया। साबिक में अब्दुल रशीद दो मरतबा कारपोरेटर रह चुके हैं। आज का जो ड्रा अंदाज में जो कमिश्नर साहब ने करे ये बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो पूरे नागरिकों को पसंद आया जैसा आज ड्रा हुआ। और इससे पहले भी मैं दो बार उमर कॉलोनी प्रभाग से चुन के आया और अभी भी मेरी पब्लिक से ये उम्मीद है और मैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए पब्लिक से तवक्कु रखता हूँ कि इस बार इंशाल्लाह पब्लिक मुझे मौका देंगी और मैं वार्ड नंबर 12 से इच्छुक हूँ और पूरे लोगों की खिदमत करने की कोशिश करूँगा और पब्लिक भी मुझे चुन के देंगे। और अभी जो ये आज यहाँ पे खरा अंदाज से जो ये हुआ बहुत ही अच्छे अंदाज में बहुत ही सही पद्धति से हुआ, इसीलिए मैं कमिश्नर साहब का और DMC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं वार्ड नंबर 12 से इच्छुक हूँ और पब्लिक से आह्वान करता हूँ कि आने वाले वक्त में मुझे मौका दे और खिदमत का मौका दे। अल्लाह। जोन नंबर 13 चौपाला में SC खातून, एक OBC, एक OBC खातून और आम जुमरा रखा गया है। जोन नंबर 14 होली की कुरानदाजी के बाद मौजूदा कारपोरेटरों में खुशी देखी गई। इस जोन में ए के तहत OBC, बी और सी वार्ड में खातून जुमरा और डी वार्ड को आम जुमरा रखा गया है। इसमें मौजूदा कारपोरेटर शिवसेना के तुलजेश यादव ने OBC के तहत इंतखाबी दंगल में उतरने का मंसूबा बनाया है। आज जो आरक्षण छोड़ती वो प्रभाग रचने का जो कार्यक्रम शंकर चौहान प्रेक्षागृह में जो रखा गया था उसमें आज गणेश जी देशमुख आयुक्त इनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम लिया गया और ये कार्यक्रम एक निशंसास्पद ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है और वो कार्यक्रम को हमारा अनुमोदन है और हमारा जो प्रभाग था प्रभाग क्रमांक 32 आज जो 14 हो गया है वो 14 प्रभाग में मैं अवर्ग से OBC अ से मैं लड़ता हूँ लड़ने वाला हूँ और OBC अ से जैसा 2032 में प्रभाग क्रमांक 32 में जैसा लोगों ने जैसा मैं मुझे साथ दिया था वैसे प्रभाग क्रमांक 14 में भी सभी लोग मुझे साथ देकर महापालिका में पहुँचाएंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इतना बोलती हूँ। जोन नंबर 15 इतवारा में SC खातून, OBC और एक खातून जुमरा और एक आम जुमरा रखा गया है। जोन नंबर 16 गाड़ीपुरे में एक OBC, दो खातून जुमरे और एक आम जुमरा रखा गया है। इस वार्ड में शिवसेना के ताकतवर उम्मीदवार दीपक सिंह राउत मौजूदा कॉरपोरेटर हैं। दीपक सिंह राउत शिवसेना के अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। अब इस जोन में OBC जुमरे के तहत शिवसेना के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भी हैं। आज का जो आरक्षण नांदेड वगाड़ा महापालिका की निवडणूक के संदर्भ में हुआ है वो बिल्कुल पारदर्शिता को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए किया गया है। इस पर विशेष रूप से हमारे नए आयुक्त गणेश देशमुख साहब, उपायुक्त हमारे कंदीवाड़ साहब और उनकी पूरी टीम, इन्होंने एकदम पारदर्शी प्रमाण से आरक्षण जो सरकार के जो गाइडलाइंस है
उस गैलेंट के हिसाब से उन्होंने वो काम किया है और पब्लिक के सामने किया है, उसमें हम सभी लोग समाधानी हैं। और आज विशेष रूप से आज मेरा भी आरक्षण, मुझे जो चाहिए था वो मिला है, ये सब मेरे भाइयों की और मेरे चाहने वालों की आशीर्वाद है। आगे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह मुझे 15 साल से चुन के दे रहे मेरे वार्ड के एरिया की जनता और जो नई प्रभाग जो आया है, जो मेरे बाकी नया प्रभाग जुड़ा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरा काम के तरीका देखते हुए, मेरा विकास देखते हुए फिर से मुझे एक बार संधि दे। जोन नंबर 17 वजीराबाद में एक ओबीसी, दो खातून जुमरा और एक आम जुमरा रखा गया है। जोन नंबर 18 खड़गपुरे में कुरानदाजी के बाद ए वार्ड में एससी खातून, बी में ओबीसी खातून, सी और डी को आम जुमरे में रखा गया है। इस वार्ड से एससी खातून जुमरे के तहत विलास धवाले कांग्रेस के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं। विलास धवाले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस जोन में अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस को यहाँ की आवाम फिर से आवान में भेजेंगे। आज जो आरक्षण छूटे वाला है उसमें एससी महिला है और एससी ओबीसी, एससी महिला, ओबीसी लेडीज और ओपन लेडीज और जेंट्स ओपन, ऐसा मेरे वार्ड में छूटे वाला है। और इसमें जो कुछ भी हमारे पक्ष के कांग्रेस के तरफ से जो भी टिकट जिसको भी देंगे, उसका काम करने का हम दिल से, सही दिल से काम करके उनको चार के चार चुन के लाएंगे। हम हमारे पार्टी तरफ क्या इच्छुक क्या है, जो भी रहेंगे जिसको भी देंगे उसको लाएंगे चुन के। जोन नंबर 19 वसरनी कौठा में एससी खातून, एसटी, ओबीसी खातून और एक आम जुमरा रखा गया है। जोन नंबर 20 सिडको वाघाला में 5 वार्ड जोड़े गए हैं, जिसमें एससी खातून, ओबीसी, एक ओबीसी खातून और एक खातून जुमरा और एक आम जुमरा रखा गया है। शिवसेना की जानिब से वार्ड तश्कील पर खुशी का इजहार किया गया। शिवसेना के महानगर सदर महेश बाड़ू खोमने ने मीडिया से बात करते हुए वार्ड तश्कील को शफाफ करार दिया और बल्दिया उज़्मा की कारकर्दगी की सताइश की। महेश बाड़ू खोमने जोन नंबर 14 डी से ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने शहर के तमाम जोनों को सबके लिए मुनासिब करार दिया। बाड़ू खोमने की अहलिया इसी जोन में मौजूदा कारपोरेटर हैं, जबकि बाड़ू खोमने इससे कबल 2 दफ़ा कारपोरेटर रह चुके हैं और बल्दिया उज़्मा में अपोजिशन लीडर का किरदार भी निभा चुके हैं। आज सन 2017 की जो बल्दिया की प्रभाग रचना थी, आज ये प्रभाग रचना जाहिर हो चुकी है। वो प्रभाग रचने के प्रोग्राम में माननीय हमारे कमिश्नर गणेश राव जी देशमुख साहब, यहाँ के DMC कंदेवाड़ जी, रत्नाकर जी, सभी महापालिका का स्टाफ और सभी कर्मचारी ने बहुत पिछले कई महीनों से मेहनत की थी। वो मेहनत अच्छी तरह से रंग लाई है और इसी तरह से आज की जो सोड़त थी वो अतिशय शांततापूर्व वातावरण में और एक सौदार्य के वातावरण में यहाँ सोड़त पार हो चुकी है। आज हमारे पुराने नांदेड़ में के जानिब से हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो प्रभाग क्रमांक है 14, वो हिसाब से सर्वसाधारण ड जो पुरुष को छूटा है सर्वसाधारण, वो उस सीट से हम जनता ने अगर हमें मौका दिया तो, जैसा 2 बारी पिछले मौका दिया था, वो अगर तीसरी बारी भी मौका अगर दिए तो निश्चित ही जो जनता के जो हित के काम है वो हम जरूर करेंगे और आने वाले समय में जनता की हम सेवा करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वार्डों की तश्कील का जायजा ले रही है। गौर व फिक्र के बाद एतराज करने या ना करने के सिलसिले में कोई फैसला लिया जाएगा। शंकरराव सभागृह में MIM के शहर सदर अब्दुल मुकीद और उनके साथ पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। अब्दुल मुकीद ने वार्डों की तश्कील पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की मजलिस शुरा वार्डों के नए खाकों का बगौर जायजा लेगी, इसके बाद एतराज़ करने से मुतालिक कोई फैसला लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नांदेड़ शहर का शंकरराव चौहान प्रेक्षागृह के अंदर अभी लाट्स निकले हैं, उसके अंदर बेहतरीन तरीके से सब लोगों के सामने लाट्स निकले और अच्छी तरीके से वो लाट्स निकाले गए और हर इंसान जो है मुतमईन हुआ। लेकिन अभी जो वार्ड की रचना हुई उसके अंदर कितने वार्ड के अंदर कौन से वार्ड में कितने क्वांटिटी है वोटर्स की, ये भी अभी आगे जो है मालूम होगा। और उसके अंदर ऑब्जेक्शन का जो वक्त दिया गया है उसके अंदर अगरचे ऐसा हमको महसूस होता है, ऐसा लगता है कि कहीं पर जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कोई वार्ड के अंदर ज़्यादा वोट है और कोई वार्ड के अंदर कम है, तो हम उसके ऊपर ज़रूर जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। और अभी जो है हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ शहर में 80 सीट खड़ा करेगी और बेहतरीन तरीके से मुकाबला जो है हमारा अपोजिशन पार्टियों से होगा। बीजेपी ने भी वार्डों की तश्कील पर जायजा लेने के बाद एतराज़ के हक को महफूज किया है। बीजेपी महाराष्ट्र मजलिस आमिला के रुकन चैतन्य बापू देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वार्ड तश्कील की पूरी तफसील को समझने के लिए वक्त दरकार है, इसके बाद ही एतराज़ करने या ना करने से मुतालिक फैसला लिया जाएगा। इन्होंने मजमूई तौर पर वार्ड तश्कील को इत्मीनान बख्श ही करार दिया। महाराष्ट्र शासन ने आज जो नांदेड़ महापालिका की प्रभाग रचना जाहिर की हुई है, इस प्रभाग रचना की कॉपी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास आई नहीं है। आज नहीं तो कल हम इस कॉपी मंगा के लेके उस पर स्टडी करेंगे
और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि प्रभाग रचना अच्छी हुई है तो हम इसका स्वागत करेंगे, अगर हमारे इसमें कुछ दिक्कत अगर होंगी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रभाग रचना पर आक्षेप नोदा जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का शहर अध्यक्ष रहा हूँ, भारतीय जनपद का वार्ड 14 ही नहीं बल्कि जो 20 वार्ड है वो 20 वार्ड पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कैसे खड़े रहेंगे इस पर हम ध्यान देंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, बहुत दिन से शहर के राजकारण में हूँ, तो पार्टी मुझे जो आदेश देंगी उस आदेश के तहत मैं काम करूँगा। कांग्रेस ने वार्डों के खाकों को शफाफियत से किया गया काम करार दिया। नांदेड़ बल्दिया उज़्मा में फिल वक्त कांग्रेस का कब्जा है, वार्ड तश्कील को लेकर कांग्रेस ने खुशी का इजहार किया है और इसे बल्दिया उज़्मा और अहदेदारों की शफाफियत से ताबीर किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिर चाउस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वार्डों की तश्कील और उसके खाके काबिल कबूल हैं। आज का जो आरक्षण है बहुत ही अच्छे दर्जे से कमिश्नर DMC ये लोगों ने बहुत ही साफ़ सुथरे अंदाज से करे, किसी का इसमें ये नहीं लगा कि भाई साफ सुथरा ड्रा हुआ और सभी को एक ही नहीं शांता था पूर्ण रहा ड्राव में। और आगे समझो इसका जो इलेक्शन का जो कार्रवाई है जो भी इनकी है वो सही तौर पे इन्होंने एक ही नहीं निभा रहे हैं और आगे आप जो वार्ड की जो ड्राव निकाले इसमें प्रभाग नंबर 13 में इच्छुक उम्मीदवार हैं, वहाँ से इंशाल्लाह पब्लिक से ये उम्मीद है कि भाई जो हमारा पहले का कारकर्दगी देखते हुए हमारे तरफ जो काम हमने किया है उसको नजर में रखते हुए हमारे साथ दीजिए, ये कह के हम अपनी बात ये करते। राष्ट्रवादी पार्टी ने भी वार्डों की तश्कील और खाकों पर इत्मीनान का इजहार किया है। राष्ट्रवादी पार्टी के महाराष्ट्र मुबसिर पांडुरंग काकड़े ने मीडिया से बात करते हुए वार्डों के खाकों को इत्मीनान बख्श करार दिया। पांडुरंग काकड़े की अहलिया सिंधुताई काकड़े कौठा से कारपोरेटर हैं। पांडुरंग काकड़े का कहना है कि नांदेड़ में सबसे ज्यादा तरक्याती काम उन्हीं के वार्ड में हुए हैं, इसलिए इन्होंने अज्म का इजहार किया कि जोन नंबर 19 कौठा के आवाम राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवारों को ही कामयाब करेंगे। समाधानी आहे प्रशासनाने त्याच्यामध्ये चांगलं काम करून आणि पारदर्शकता ठेवून योग्य ते म्हणजे त्याची प्रक्रिया पार पाडली त्याच्याबद्दल आम्ही समाधानी आहोत। आहे आता आम्हाला त्याच्यामध्ये दोन जागा आहेत, एक ओपन पुरुष आणि एक OBC महिला, आम्ही दोन्ही ठिकाणी सुद्धा म्हणजे इच्छुक आहेत आणि दोन्ही ठिकाणी सुद्धा आम्ही लढू। त्याच्यामध्ये आम्ही शहरामध्ये सगळ्यात जास्त कामं आमच्या प्रभागामध्ये केली, जवळपास 17 ते 18 कोटी रुपयाची कामं आम्ही रोड असतील, CC रोड असतील, बौद्धविहार असेल, दवाखाने असतील, वॉटर ड्रेनेजची कामं असतील, ते आम्ही जवळपास 17-18 कोटी रुपयाचे आम्ही प्रभागात नांदेडमध्ये सगळ्या प्रभागापेक्षा आम्ही जास्त कामं केले आणि त्यामुळं आम्हाला तिथली म्हणजे लोक जनता आम्हाला निवडून देईल यात कुठलीही शंका।